Yeah.
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी मुरली मनोहर तड़ित विदम्बित विनिम्बित पीलांबर धारी भगवान श्री कृष्णचंद भगवान के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हुए उन्हीं का विग्रह साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी छत्र छाया में लगातार 3 दिन से कथा श्रवण कर रहे थे, आज 4th दिन में प्रवेश और आज भगवान का आगमन का भी दिवस। मंच पर आसीन संतगण, विद्युत मंडली, संगीत पर सुंदर साथ निभाने वाले संगीतज्ञ, परीक्षित रूप में विराजमान श्री मंगत गर्ग जी, उनके बामंग विराजमान श्रीमती सौभाग्यशालिनी सीता देवी जी एवं परीक्षित परिवार के सभी सदस्यगण, रिश्तेदार, शहर से पधारे हुए भगवत कथा श्रवण करने के लिए भगत प्रेमी, सभी के हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को मैं कोट कोट वंदन करता हूं। और आज 4th दिन की कथा प्रारंभ करने से पहले वही गुनगुनाते हैं जो नित्य से गुनगुनाते आए हैं। आइए बड़े प्यार से, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी पल्लवं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी अभिनंदन करते हैं।
परम पुनीत इतिहासा श्रणत सवन छूटई भव पासा। वो पवित्र कथा जिसके सुनने से, जिसके श्रवण करने से भववंदन कट जाते हैं, संसार के बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है, वो पावनी कथा श्रवण करते हैं।
कल की प्रसंग में श्रवण कर रहे थे प्रहलाद चरित्र। पाप कितना ही गहन क्यों न हो, पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन भगवान के सामने, परमात्मा के सामने टिकने वाला नहीं। पापी कितना भी अपना बचाव करे, लेकिन एक न एक दिन वो पाप पापी को ले देता है। यही अंतर है देवताओं में, मनुष्यों में और राक्षसों में। राक्षसों को हमेशा अपना भय रहता है कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं मृत्यु नहीं आ जाए। यद्यपि मृत्यु सत्य है, सब दुनिया जानती है, गीता में भी ये बात कही है, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है वो जाएगा ही जाएगा, जो चला गया है वो संसार में एक दिन जन्म लेकर के फिर आएगा ही आएगा। लेकिन फिर भी मृत्यु से भय है। भय का कारण क्या है? जो मृत्यु से डरते हैं उनको डरने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण समझिए, विचार करिए, जिस इंसान ने अपने परलोक जाने की सुविधा नहीं बनाई है, वो इंसान हमेशा डरता है कि न जाने कैसे जाऊंगा, कहां जाऊंगा, क्या गति होगी। यही तो भय होता है मृत्यु का। लेकिन सूझवान कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, हो मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो, वो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया डरती है, कबीरदास जी कहते हैं मुझे बड़ा आनंद है। क्यों है? कि कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, कब मृत्यु हो और कब परम ब्रह्म परमात्मा की मेरे से मिलन हो। इसलिए सज्जन इंसान मृत्यु से भय नहीं करता। वो जानता है कि मृत्यु भले ही आज ही आ जाए, अभी आ जाए, और एक दिन आनी ही आनी है। बड़ा बचाव किया, बड़े बड़े वरदान मांगे, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, मनुष्य के हाथों से नहीं मरूं, पशु पंछी के हाथ से नहीं मरूं, और तो क्या 12 साल के जो 12 महीने होते हैं उनमें भी ना मरूं। लेकिन परमात्मा ने वही उपाय किया और मृत्यु का रास्ता क्लियर कर दिया। प्रहलाद को बड़ा सुख मिला। प्रहलाद ने स्तुति की, प्रभु ने माफी मांगी, भगवान ने खुद माफी मांगी प्रहलाद से, बेटा तेरे को गिर से गिराया, अग्नि में जलाया, बड़े बड़े कष्ट हुए, पर बेटा माफ करना, मुझे देर हो गई आने में, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना पुत्र। भगवान को शांत किया, देवताओं ने स्तुति की, प्रहलाद ने खुद स्तुति की, प्रभु ने कुछ शांति पकड़ी। इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण में मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का विवेचन आता है। मनुष्य का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है। मनुष्य का शरीर पाकर के जो इंसान विषयों में मन लगाते हैं, रामायण में भी ये बात लिखी है, यहां भी लिखी है, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई,
ये शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि विषयों में सुख तो थोड़ा है और बाद में दुख ही दुख है। जैसे मैं उस दिन उदाहरण सुना रहा था कुत्ते का, कुत्ता हड्डी चूसता है, हड्डी को चबाता है, खून तो हड्डी में होता नहीं, खून तो निकलता है जबड़े से, कुत्ता खुश होता है, लेकिन बाद में पता लगता है मैं तो अपना ही रक्त पी करके खुश हो रहा था। इसी प्रकार जीव विषय भोगता है, पर विषय को नहीं भोगता, विषय ही उसको भोगते हैं। मानव धर्म में ये बात बताई, वर्ण धर्म में ये बात बताई है, अपने वर्ण के अनुसार ही जीव को अपना श्रेय प्राप्त कर लेना चाहिए, जैसा कि गीता में भी कहा है यही बात, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भवाव, ये बात बताई है। ऐसे ही इंसान को भी अपना श्रेय, अपना लक्ष्य अपने धर्म में ही प्राप्त कर लेना चाहिए। स्त्री धर्म वर्णन करते हुए बताया है, स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। जब तक कुंवारी है अपने माता पिता की मर्यादा, शादी होने के बाद पति के घर में पति के धर्म की मर्यादा। शास्त्र ने यहां तक बताया है कि संभाजनो लेपाभ्याम ग्रह मंडल वर्तनई स्वयं च मंडिता नित्यम पर प्रष्ट परीक्षिता। घर को भी सजाए, शरीर को भी सजाए, पवित्र रहे नित्य, नित्य घर की शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखें, बड़ी पवित्र रहे, घर को भी पवित्र रखें, घर का संचालन ठीक तरह से करें। जिस घर में गृहिणी पवित्र होती है, जिस घर में गृहिणी शुद्ध होती है, उस घर में देवता प्रसन्न चित्त होकर के आते हैं, नित्य प्रति उन्नति होती है। ऐसे ही नहीं, पत्नी को घर लक्ष्मी कहा गया है, इंसान को लक्ष्मी नहीं कहा गया जो कमाता है, लेकिन स्त्री को लक्ष्मी कहा गया। क्यों? कि वही एक ऐसी है जिसके कारण घर ऊपर उठता है, इसलिए स्वच्छता पवित्रता पति की सेवा हर प्रकार से। मैया अनुसैया ने भी ये ज्ञान सीता को रामायण में दिया है और बताया है कि जगपति व्रता चार विधि कहाई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के सब सुमन माई, सपने उपान पुरुष जगनाई। पहले नंबर की पतिव्रता है वो जानती है कि दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निश्चय। जो मध्यम दर्जे की स्त्री है वो पति को देखती है, अपना भाई है, सम उम्र का है तो, बड़ी उम्र का है तो पिता है, छोटी उम्र का है तो पुत्र है। कुछ समय को समय विचार करके अपने कुल की लाज रखती है। निकृष्ट स्त्री के बारे में बताया है कि निज पति तज पर पति रति करही रौरव नरक कोटि युग पर ही। अपने पति को पराय पुरुष का संग करती है, करोड़ों कल्प तक रौरव नरक का भोग करती है, ऐसा बताया। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ धर्म का भी निरूपण किया, ब्रह्मचर्य धर्म में कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थ में कैसा रहना चाहिए, यति धर्म में कैसा रहना चाहिए, सारा सुंदर व्यवस्थन किया। सभी धर्मों में सर्वोपरि धर्म अगर कोई है तो वो है गृहस्थ धर्म, क्योंकि सबकी नजर सबकी दृष्टि गृहस्थ धर्म पर ही होती है। साधु संत हैं तो गृहस्थ के आश्रित, ब्राह्मण हैं तो गृहस्थ के आश्रित हैं, यहां तक पशु पंछी गाय जो भी हैं सब ग्रस्त धर्म के, इसलिए सर्वोपरि धर्म है। और इस ग्रस्त धर्म में रहकर के जो इंसान अपने धर्म को नहीं निभाता, जीवन उसका बेकार है।
ग्रस्त धर्म से भी मोक्ष जो है प्राप्त हो सकती है, ग्रस्त धर्म से भी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए ग्रस्त धर्म का अच्छी तरह परिवहन करे इंसान, अतिथि को परमात्मा समझे। घर में जब अतिथि आता है कोई, तो कभी भी मन हल्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खाके जाता है तो देके भी जाता है। देके क्या जाता है? बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा पुण्य। और कोई विमुख होके जाता है तो कमाए हुए पुण्यों को भी ले जाता है। इसलिए ग्रस्त में अगर अतिथि आता है, अतिथि मतलब, अतिथि का मतलब क्या है? अतिथि जिसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, जो विदाउट इंफॉर्मेशन आपके घर में आ रहा है, जो बिना सूचना दिए आपके घर में आ रहा है, वही है अतिथि। वो समय पर आए, कुछ समय पे आए, ग्रस्त धर्म का धर्म है कि उसका जो है सेवा करे। आजकल का जो संसार है, आजकल की दुनिया है, वो बड़ी विचित्र हो गई है। किसी और के घर में रिश्तेदार आते हैं, चोरी किसी और की चढ़ जाती है, बड़ी विचित्र बात है। तो इस तरह से बहुत सुंदर विवेचन ये सप्तम अध्याय में किया, स्कंद में। आठवें अध्याय स्कंद में प्रवेश करते हैं। आठवें स्कंद में 21 अध्याय हैं और करीब 931 श्लोक हैं। इसमें 24 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया है और उन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। 24 प्रकार की प्रकृतियों का उल्लंघन करके 25 में परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन इस स्कंध में बताया। प्रथम अध्याय में मनु जी महाराज जी का भजन, और उन्होंने ईशावास्यमिदं सर्वं इस भाव से भजन किया। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में ये बात विशेष करके बताई है, धन के लिए गीत ना बने, धन कमाए तो उसको खर्च भी करे। खर्च किस भाव से करे? सन्मार्ग से करे, अच्छे मार्ग से खर्च करे। खर्च करने के भी बड़े रास्ते हैं। आप कुमार्ग से भी खर्च करते हैं, सुमार्ग से भी खर्च करते हैं। सीधी सी बात है, हर कोई जानता है इस बात को। लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, लक्ष्मी नारायण की पत्नी। अगर इस लक्ष्मी को नारायण के चरणों में लगाते हैं हम, जैसे भागवत हो रही है, यहां जो धन लग रहा है वो नारायण के चरणों में लग रहा है, वो ईश्वर के चरणों में लग रहा है, वो भगवान के चरणों में लग रहा है। अब उस लक्ष्मी को नारायण के चरणों में लेके जाएंगे तो घर में खुश हो करके और आएगी कि ये इंसान तो हमको नारायण के चरणों में लगा रहा है। इसलिए खुश हो के लक्ष्मी परिवार में आती है। जेकर इसी धन को हम कुमार्ग से खर्च करते हैं, बुरे मार्ग से खर्च करते हैं, व्यसनों में खर्च करते हैं, दुनिया भर के बुरे कर्मों में खर्च करते हैं, तो लक्ष्मी आती जरूर है एक बार आपके घर में, लेकिन श्राप देके चली जाती है कि इस पापी ने तो मुझे कुमार्ग से खर्च किया, इस पापी ने तो मुझे बुरे मार्ग से खर्च किया। फिर लक्ष्मी नहीं आती। इस प्रकार अष्टम स्कंद में बहुत सुंदर विवेचन आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे पहले मन मंत्रों की कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। कौन कौन से मन मंत्र में किस किस मनु का प्रादुर्भाव हुआ? 13 मनु हो चुके हैं, 14 मनु हो चुके हैं, आगे मन मंत्र चल रहा है। इसके बाद इस पावन पुराण में सुंदर एक कथा आती है भगवान के भक्तों की,
जो कुयोनी में पड़े होने के बावजूद भी परमात्मा की भक्ति कर गए। कई लोग कहते हैं हमें तो समय नहीं मिलता, कैसे भगवान की भक्ति करें। भक्ति करने वाले इंसान तो अपना समय निकाल लेते हैं, अपने आप निकाल, चाहे वो योनि में हो, कुयोनी में हो, कैसी भी अवस्था में। गीता में भगवान ने एक बात कही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। ये अष्टम स्कंद में है, द्वितीय अध्याय में जो प्रसंग आता है गजग्राह का, वो यहां पर बिल्कुल चरितार्थ होता है इस गीता के श्लोक पर। तो इसकी पवित्र कथा श्रवण कराते हैं आपको। आसीत गिरिवर हो राग त्रकूटी विस्तृत शिरोदेना व्रत श्रीमान योजनायानम उचित। एक त्रकूट नाम का पर्वत है, बहुत सारी योजनाओं में, हजारों योजन में फैला हुआ है, कई योजन तक ऊंचा चला गया है, ऐसा पर्वत है। वहां एक सुंदर तलहटी में बड़ा सुंदर एक वन है, वन में बहुत सारे पशु पंछी विहार करते हैं। वहां पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं। वहीं पर एक मतवाला हाथी अपने परिवार सहित निवास करता था। पास में ही गंडकी नाम की नदी बहती थी, जलपान करने के लिए सारे परिवार के साथ एक दिन वो गजराज मतवाला हाथी, बड़ी सुंदर परिवार है उसके, वो सारी अतनियां हैं, बच्चे हैं, सबको साथ लेकर के स्नान करने के लिए आया। सूंड में जल लेकर के बच्चों को नहलाता है, हतनियां उसके ऊपर जल डालती हैं, वो हतनियों के ऊपर जल डालता है, मस्ती कर रहे हैं। इतने में ही क्या घटना घटती है वहां पे कि उस गजराज का, जो मुख्य गजराज था, उसका पैर किसी ने जंगल में पकड़ लिया। तो पहले तो उसने अपना बल प्रयोग किया कि मेरे में बड़ी ताकत है, कोई बात नहीं, कौन जीव है मुझे पकड़ने वाला, ताकत का प्रयोग किया। जब अपना बल काम नहीं आया तो अपने परिवार को कहा, अरे भाइयों मेरा बल छीन हो गया, कोई जीव ने मुझे पकड़ लिया है, आप जरा सहायता करें। सूंड में सूंड मिला करके सभी परिवार ने खींचने की कोशिश की, लेकिन गहवर जल में वो लिए गया। परिवार का भी बल काम नहीं आया, अपना बल काम नहीं आया, तो मन में विचार करने लगा, संसार के झूठे निकले सारे सारे, झूठे निकले सहारे संसार के, एक तेरी शरण में आया हार के। प्रभु मेरा बल, मैंने बड़ा अहंकार था मेरे बल पर, लेकिन काम नहीं आया। मेरे को मेरे परिवार पर बड़ा भरोसा था, लेकिन परिवार भी मेरे काम नहीं आया। हे प्रभु अब तो मैं तेरे सहारे, जोवर सुन रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। जब इतनी सुन रह गई, अब डूबने ही वाला था, तब परमात्मा का स्मरण किया और सोचने लगा, वास्तव में ही संसार के सब सहारे झूठे हैं, एक सच्चा सहारा है तो परमात्मा का है, इसलिए परमेश्वर का भजन करने लगा। एवं विवसितो बुद्ध्या समादाय मनो हृदि जजाप्य परमं जाप्य प्राज्ञ मनो मनुशिक्षितं। मन में बुद्धि को स्थिर कर लिया, कोई काम नहीं आया, ना ही कोई काम आएगा, अब तो हे परमेश्वर मैं तुझे ही पुकारता हूं। पुकारने के लिए मन को समाहित कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, विचार करने लगा कौन से देवता को पुकारूं,
सारे देवता भी अपना अपना विमान लेकर के आकाश मंडल में आ गए हैं। शंकर भगवान कहते हैं शायद मुझे पुकारेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं शायद मुझे पुकारेगा, और बहुत सारे इंद्र कहते हैं शायद मुझे पुकारेगा। सभी आकाश मंडल में विराजमान हैं, लेकिन गजराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। कहता है, क्या कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चितात्मना पुरुषा आदि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे परमेश्वर, परम ब्रह्म परमात्मा, आदि पुरुष नारायण, संसार के बीज स्वरूप मैं तुम्हारा ही ध्यान करता हूं। यस्मिन् इदं यतश्चेतं येनेदं ज्ञायेदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् स परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। परमात्मा, हे परमेश्वर, इस दुनिया में मेरा और कोई आपके सिवा नहीं है, आप ही पधारिए जो मेरी आत्मा में विराजमान है। ये आत्मनिदं निज माया अर्पितं कुचित विभातं कुचित तिरोहितं अवद्रकं साच वयं तदीक्षते से आत्ममूलो भवत माम परात्परः। न राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न शंकर का नाम लिया, न ब्रह्मा का नाम लिया, जिससे आज प्रकृति उत्पन्न होती है, जो मेरे हृदय में आत्मा रूप में विराजमान है, जो दुनिया की कणकण में समाया हुआ है, जो हर जगह विद्यमान है, ऐसे परमेश्वर की मैं शरण हूं, ऐसे परमात्मा की मैं शरण हूं। बड़ी सुंदर स्तुति उसने गाई, कहता है नमः शांताय भोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। हे शांत स्वरूप परमेश्वर, हे गुण धर्म से रहित परमेश्वर परमात्मा, हे निराकार, हे निर्गुण, हे सगुण, हे साकार परमेश्वर, हे ज्ञान के खजाने परमात्मा, मैं तो तुम्हारी ही शरण में हूं। शंकर भगवान कहते हैं, पुकार रहा है, जा क्यों नहीं रहे हो ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो पुकार, तो तुमको भी रहा होगा शायद। इंद्र कहता है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, सब अपना अपना नाम ले रहे हैं लेकिन कोई नहीं जा रहा। परमात्मा के कान में आवाज पड़ी, किसकी आवाज पड़ी, गज की। भगवान लक्ष्मी के साथ में सारक फांसी खेत रहे थे। बड़ा सुंदर किसी कवि ने छंद गाया है, खेलत सारे रुक्मिणी जी संग तब ही भक्त आवाज पड़ी। रुक्मिणी जी के साथ में खेल रहे थे सारफा से, तभी जो है भक्त की आवाज कान में पड़ी। खेलत सारे रुक्मिणी जी संग तब ही भक्त आवाज पड़ी, तो कहूं मुरलिया कहूं पीतांबर बैठे है गए श्याम हरी। मुरली कहीं पीतांबर कहीं खड़े हो गए परमात्मा। लक्ष्मी कहने लगी, क्या होया? कहे रुक्मिणी सुनो श्याम जी, कहां जा रहे हो कि मेरा भक्त पुकार रहा है? कहे रुक्मिणी सुनो श्याम जी, करते आप बहाना है और जब जब दाव हमारो आवे तुम्हें कहूं को जाना है। जब जब दाव हमारो आवे तुम्हें कहीं को जाना है। लक्ष्मी जी कहती है, भगवान बहाने लगाते हो,
जब लगता है कि हम जीतने वाले हैं, आप कहते हैं हमारा भक्त पुकारा, उठ के चल देते हैं। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, देर नहीं की, चढ़े और चल दिए। गरुड़ से कहते हैं बहुत जल्दी चल, मेरा भक्त जब उसका दिल ही टूट गया तो फिर जाकर के क्या करूंगा। का बरसा जब किसी सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। जब खेत सूख गया, जमीन सूख गई, फसल सूख गई, फिर बरसा हो तो बरसा का लाभ क्या है। जब समय निकल गया फिर गए तो क्या लाभ है। भगवान ने कहा जल्दी चलो। गरुड़ कहना प्रभु मन से भी तीव्र गति से दौड़ रहा हूं, फिर भी आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। कूद पड़े, दौड़ पड़े भगवान, जाकर के गज सहित गजराज को ग्रास सहित खींच करके बाहर सुदर्शन चक्र से उसका मुंह फाड़ दिया। दोनों को सदगति प्राप्त प्रदान की और दोनों को बिठाया अपने गरुड़ पर और सीधे वैकुंठ धाम में ले गए। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अधम जाति पशु योनि और ऐसी गति पाई कि परमात्मा गरुड़ पर खुद बिठा करके, विमान आते तो बहुतों के लिए देखे हैं लेकिन खुद गरुड़ पर बिठा करके भगवान वैकुंठ ले गए। उनको अपना पुने अपना गण बनाया। जय और विजय। परीक्षित कहते हैं महाराज सुखदेव जी स्वामी से, प्रभु कौन सा ऐसा गुण था इन दोनों में जो परमात्मा ने ऐसी गति प्रदान की इनको। क्या बात है, इनके पूर्व जन्म का कोई चरित्र होगा, कोई बात होगी, कृपा करके बताइए। महाराज सुखदेव कहते हैं राजन कि गज जो था, पूर्व जन्म में एक राजा था और वो तप कर रहा था राजपाट छोड़ करके जवानी में। एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू राजपाट छोड़ करके धर्म से वंचित होकर के और यहां बक ध्यान लगाए हुए हैं, जा तू मत वाला हाथी हो जा। जब उसने प्रार्थना की बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बांके जय। एक देवल नाम के ऋषि थे, वो कहीं स्नान कर रहे थे। हुहू नाम का एक गंधर्व बड़ा मजाकिया था, वहीं वो भी स्नान कर रहा था। देवल ऋषि का चरण पकड़ लिया उसने, उनको छकाने के लिए। और बाद में देवल ऋषि घबरा गए, किसने पैर पकड़ लिया है। वो जब पता लगा तो देवल ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि तूने ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़ लिया, मैं तुझे श्राप देता हूं तू ग्राह हो जाए। इसलिए गज और ग्राह की गति पाई, परमात्मा की कृपा से आज दोनों ही मुक्त होकर के वैकुंठ धाम के लिए चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार परमात्मा की ये पावन लीला में भक्तों का ये प्रसंग गजेंद्र मोक्ष के जो एक श्लोक भी याद रखता है वो कभी दुर्गति में नहीं जाता। बांके बिहारी लाल की जय। ये उस समय की बात है जब धरती पर महाराज बलि का राज्य था। बड़ा युद्ध कर करके इंद्र थक गया लेकिन बलि को जीत नहीं सका। बलि कौन था? प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि यानी प्रहलाद जी का पोता था। इसने इतने पुण्य कर्म किए, इतने सदकर्म किए कि सदकर्मों के कारण देवताओं को परास्त कर दिया। राज्य जो था देवताओं से छिन गया और दैत्यों के हाथ में पहुंच गया। दैत्य बड़े घबराए, देवता घबराए।
देवता घबरा करके भगवान की शरण में गए, प्रभु क्या करना चाहिए हमें। दैत्य इतने बलवान हो चुके हैं कि उनको हम परास्त नहीं कर सकते, प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान कहने लगे, भैया तुम ऐसा करो, दैत्यों से संधि कर लो। देवता कहने लगे, भगवान दैत्यों से संधि हमारी कैसी हो सकती है? तो भगवान कहने लगे, हो सकती है भैया। कैसी हो सकती है? कि जैसे चूहे और सांप की मित्रता होती है। प्रभु आप तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहे हो, चूहे और सांप की मित्रता तो हो नहीं सकती। कभी आपने देखी है चूहे और सांप की मित्रता? भगवान कहते हैं हाँ, करनी पड़ती है। चूहे सांप की मित्रता का मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। एक सांप जो था पिटारी में बंद था सपेरे की, और बंद तो बंद ही होता है, आप जानते ही हैं कैद है, श्वास अच्छी ले नहीं सकता, चल फिर सकता नहीं, बड़ा दुखी था। दैव योग से उसी पिटारी में कहीं से चूहा आ गया। अब देखो सांप और चूहे का तो बैर है, बात तो यहां बनती है कि शायद वो चूहा सांप का भोजन बन जाए। लेकिन सांप ने कहा, अरे भैया चूहे बात सुन, तू बड़ा आया, हम तुम दोनों मित्रता कर लेते हैं। चूहा कह रहा है, भैया सांप से भी कई मित्रता हमारी रही है, पर अब ये तगड़ा है, हम हल्के हैं, जो ये कहेगा वही करेंगे। चूहा कहने लगा, महाराज कैसी मित्रता करनी है? कि मित्रता ऐसी करनी है कि तू भी बाकी बिहारी लाल की जय। शांति बनाने की कृपा करें, मेरे को ये पता है कि पंडाल में अधिक लोग नहीं हैं, और जिनका मन खाने पीने की वस्तुओं में हो उसको छुट्टी है, वो जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1/10 भी यहाँ नहीं है, शायद 1/100 भी कहूँ तो भी उत्युक्ति नहीं होगी, 1/99 बाहर हैं। चूहा कहता है कैसे होगी महाराज? सांप कहता है हम भी पिटारी में बंद है, तू भी पिटारी में बंद है, तेरे पर एक कला आती है। कौन सी कला आती है? कि तू इस टोकरी को, इस पिटारी को काट सकता है, और वो कला मेरे को नहीं आती। तू निर्भीक होकर के टोकरी को काट दे, फिर हम दोनों ही इससे मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा, ठीक है जी, ये तो मेरी कला है, मैं अभी प्रदर्शन करता हूं। अब चूहे ने टोकरी काट दी, चूहे ने टोकरी काट दी, और देखा सांप ने कि उतना छेद हो गया कि मैं अब आराम से निकल सकता हूं, तो सबसे पहले चूहे को खाया और फिर टोकरी से मुक्त हो गया। यह है सांप और चूहे की मित्रता। ऐसे ही आप राक्षसों से मित्रता करो, उनके पास बल है, उनके पास ताकत है, तुम और वो दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो, समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकलेंगे, उनको प्राप्त करो, और उसके अलावा अमृत का कलश निकलेगा, उस अमृत के कलश को आपने प्राप्त करना है, ताकि आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। देवताओं ने मान लिया, प्रभु ठीक है, पर समुद्र मंथन होगा कैसे? तो कि आप मीटिंग करो पहले राक्षसों से, और फिर उनसे कहो, भैया शर्त रखे, समुद्र में बहुत सारी संपत्तियां पड़ी हैं, समुद्र मंथन करेंगे दोनों मिलकर के, एक तो कर नहीं सकता, आप भी और हम दोनों मिलकर करेंगे, जो भी संपत्ति निकलेगी आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन नियम यह होगा कि जो पहले वस्तु निकलेगी उसको कौन लेगा?
राक्षसों ने कहा हम लेंगे जो पहले पहले निकलेगी उसको। तो कहा अगर आपने नहीं ली तो कि तुम्हारी मर्जी से बंटवारा होगा, फिर कोई बात नहीं, तुम जैसे बांट दोगे हम स्वीकार कर लेंगे। ये शर्त हो गई, समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। पहले मद्राचल पर्वत को लाया गया और मद्राचल पर्वत को लाने के बाद देवताओं ने कहा हम तो नाग देवता के मुख की तरफ लगेंगे। राक्षस कहने लगे भैया पूंछ तो अशुभ होती है नाग की, इसलिए पूंछ की तरफ हम लगेंगे ना और मुख की तरफ आग लगना आप लगना। समुद्र मंथन होने लगा, मद्राचल पर्वत नीचे को जाने लगा। तब भगवान ने कश्यप अवतार धारण करके पीठ पर जो है मद्राचल पर्वत को लिया। दूसरा अवतार भगवान का कश्यप, तीसरा अवतार कश्यप अवतार, बोलो कश्यप भगवान की। ऐसे लगा जैसे खुरक चल रही है, मथानी चलने लगी, समुद्र मंथन होने लगा। देवता पूंछ की तरफ है, राक्षस बासुकी के मुख की तरफ है। अब बासुकी नाग के मुंह से लपटें निकली क्योंकि उसको रगड़ा लगा, जहर निकला, लेकिन राक्षस सारे काले हो गए। काले राक्षस हो गए। इसके बाद मद्राचल पर्वत और उसके मथानी के द्वारा हलाहल जहर निकला और ऐसे लगा त्रैलोक जल जाएगा इससे। देवताओं ने कहा पहली वस्तु निकली है स्वीकार करो। राक्षस कहते हैं हम तो दूर से ही प्रणाम करते हैं, जहर हमसे नहीं लिया जाएगा। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की, भोले बाबा पधारे। देवताओं ने कहा प्रभु ये हलाल जहर है। भगवान ने मैया पार्वती की तरफ देखा, मैया पार्वती ने इशारा किया प्रभु संसार की भलाई के लिए अगर विष भी पीना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने नीचे रा ऊपर मां लगा करके और हलाहल जहर को पी लिया। रा ने नीचे नहीं जाने आने दिया, मां ने ऊपर को नहीं आने दिया और नीलकंठ कहलाए भगवान। उस गरल के कारण कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। कई लोग कहते हैं भोले बाबा भांग पीते हैं, हम भी भांग पिएंगे। तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया, जहर भी पी के देख लो भाई, पता लगे सुबह क्या होता है। परमात्मा की रीस मत करो, भगवान की होड़ मत करो। भगवान में सद्गुण है वो आप ग्रहण करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की अर्चना करो। तो भगवान ने जहर का खटका मिटा दिया, समुद्र मंथन पुनः होने लगा। आगे और वस्तु निकलने लगी। सबसे पहले उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने कहा यह घोड़ा तो हमको चाहिए, उड़ने वाला घोड़ा है, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कामधेनु गाय निकली, ऋषि मुनियों ने ले ली। कौस्तुभ मुनि पनराग मुनि निकली, वो भगवान नारायण ने ले ली। इसके बाद में लक्ष्मी जी निकली, सभी इच्छा करने लगे हमको मिले हमको मिले, लेकिन पीट पीट के खड़े हुए भगवान नारायण ने, लक्ष्मी ने नारायण को ही माला डाल दी। ये कौन इंसान है जो मुझे नहीं चाहता है। एक बात बताए देता हूं आप सभी को, जरा ध्यान से सुन लीजिए। एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। गुप्ता जी को रास्ता मिल गया भगवत धाम का, राधा कृष्ण धाम का, धन्यवाद। चार दिन बाद बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी के पीछे भागता है सारा संसार, लेकिन एक बात बताई देता हूं ध्यान से सुनिएगा।
आप भगवान राम जी का फोटो देखिए, सीता जी बगल में खड़ी है, भगवान विष्णु का फोटो देखिए तो चरण दबाती हुई मिलेगी लक्ष्मी चरणों में। आप राधा कृष्ण का देखिए तो बामंग में राधा जी मिलेंगे। सभी देवताओं की शक्तियां बामंग में मिलेंगी, लेकिन नारायण की शक्ति लक्ष्मी चरण दबाती मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? दुनिया को बताया है, ओ भाई सुनो, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो नारायण के चरणों का आश्रय ले लीजिए। अगर नारायण के चरणों का आश्रय है तो लक्ष्मी दौड़ दौड़ के आएगी, खुश हो के आएगी। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। मजे की बात यह है कि गरुड़ जी को दिन में भी दिखाई देता है, रात में भी दिखाई देता है। आप दिन में बुलाओगे दिन में भी आएंगे, आप रात को बुलाएंगे तो रात में भी आएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, इसलिए उसमें लाइट ही नहीं होती। दिन में तो रात में ही लाइट होती है। अगर आप दिन में बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। भगवान कहेंगे तेरे को अकेली को बुलाया, मेरे को तो बुलाया नहीं। आप जानते हैं लक्ष्मी पूजन दिवाली को रात में करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों? नारायण का तो नाम लेता ही कोई नहीं है, एक लक्ष्मी का यजन करते हैं। इसलिए लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आ तो जाती है, लेकिन उल्लू बना करके ही चली जाती है। और जहां भगवान नारायण के चरण पूजे जाते हैं, जहां भगवान नारायण की सेवा होती है, जहां भगवान नारायण का उपासना की जाती है, वहां लक्ष्मी खुश होकर के रहती है। तो लक्ष्मी का वरण नारायण ने कर लिया। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनु काम दुधासुरा मदिरा निकली। सुरा कहते हैं मदिरा, वो राक्षसों ने स्वीकार कर ली। अब आप जान लीजिए क्या है बीमारी, हमें अपने आप ही निकल रही है कथा में। सुरा को कमल लोचना श्याम रंग की औरत निकली, जिसका नाम सुरा था, उसको राक्षसों ने स्वीकार कर लिया। कल्प वृक्ष को स्वर्ग में ले गए। अब सबका इंतजार है कि अमृत का कलश कब निकले। समुद्र मंथन होने लगा। धनवंतरी जी महाराज ऋग्वेद को साथ में लेकर के, आयुर्वेद को साथ में लेकर के सॉरी, और अमृत कलश साथ में लेकर के, बहुत सारी जड़ी बूटियां साथ लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। तो धन्वंतरी महाराज जब प्रकट हुए, सबने कहा बन गया काम, अमृत निकल आया। छीना झपटी होने लगी। सबसे पहले राक्षसों ने झपट लिया। राक्षस नाले जयंत के हाथ पड़ गए। जयंत लेकर के भागा, सबसे पहले हरिद्वार में छिपाया। राक्षसों को पता लग गया, वहां से लेकर के इलाहाबाद में छिपाए। वहां भी पता लग गया तो नासिक पहुंच गया। नासिक में पता लग गया तो उज्जैन पहुंच गया। और जहां जहां बूंदें झलकी, वहां वहां आज भी कुंभ के मेले लगते हैं। अमृत कलश अब कभी देवताओं के हाथ में तो कभी राक्षसों के हाथ में। भगवान ने देखा अब क्या करें, ये तो पहले ही बलवान है और अमृत पान कर गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मन में विचार, भगवान ने अपनी माया को ही आश्रय लेकर के मोहिनी रूप धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और उनके मध्य में आ गए। देवताओं ने तो पहचान ली, लेकिन राक्षस भ्रमित हो गए। राक्षसों ने सोचा कोई परम सुंदरी स्त्री है, इसलिए लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। एक दूसरे को कहने लगे देखो मेरी घरवाली है, दूसरा कहता है नहीं मेरी है, तेरी भाभी है। आपस में
इस तरह से मजाक करने लगे, इतने में ही भगवान उनके मध्य में पहुंच गए। एक कहता है कितना सुंदर हो अगर ये सुंदरी अपने हाथ से ये अमृत हमको पिला दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राक्षस कहते हैं हे देवी, आप जो भी हैं परम सुंदरी हैं, अगर आपका कर स्पर्श हो जाए इस अमृत से तो ये अमृत से ये अमृत भी पता नहीं कौन सा अमृत बन जाए। इसलिए ये एक कलश आप ले लीजिए और अपने हाथ से अपने कर कमलों से ये हमको पिला दीजिए। भगवान कहने लगे भैया पहली बात तो यह है कि स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे पर क्यों भरोसा कर रहे हो? फिर मैं अपरिचित हूं आप। अरे आप तो ले लीजिए, पिला दीजिए हमको, यहां सवाल करने की जरूरत नहीं है। अमृत कलश भगवान ने ले लिए। अब पूछने लगे किस किस का अधिकार है अमृत कलश पर। कुछ कहने लगे देवताओं का भी है, राक्षसों का भी है। तो भगवान कहने लगे मोहिनी रूप में पंगति लगा लो दो, एक पंगति में देवता बैठ जाओ, एक पंगति में राक्षस बैठ जाओ। दो पंगति लगा ली गई, देवता एक में बैठ गए, राक्षस एक में बैठ गए। सिंहका का पुत्र था राहु, बड़ा चतुर था। उसने सोचा जरूर ही इन राक्षसों के साथ में धोखा होने वाला है और मैं क्यों धोखा खाऊं। इसलिए वो उठा राक्षसों की पंक्ति से और देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया। जब वो बैठ गया भगवान अमृत पिलाने लगे, सबसे पहले देवताओं की पंक्ति में पिलाने लगे। राक्षस कहने लगे देवी आप प्यार से तो हमको देख रही हो और अमृत आप राक्षसों देवताओं को पिला रही हो, ये क्या बात है। मोहिनी भगवान ने कहा अरे मूर्खो, जो द्रव्य पदार्थ होता है वो पतला पतला ऊपर होता है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे होता है। हे मेरे प्यारे हो, पतला पतला इन देवताओं को पिला दूं और फिर गाढ़ा गाढ़ा तो तुमको ही पिलाऊंगी। ऐसे कहकर के भगवान पिलाने लगे। सिंहका का पुत्र राहु पहले बैठ ही गया था, पिलाते पिलाते राहु को भी पिला दिया। चंद्र और सूर्य के मध्य में बैठा था, चंद्र सूरमा ने इशारा किया भगवान ये क्या किया आपने, राक्षस को भी पिला दिया। भगवान कहने लगे अगर इसको नहीं पिलाता तो पंक्ति भेद का दोष लगता था। पंक्ति भेद का दोष समझते हो आप? जरा ध्यान से समझिए, कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी काम की होती हैं। एक पंगत में बहुत सारे लोग बैठे हों और आपके हाथ में बाल्टी दे दी जाए मटर पनीर की, आपसे कह दिया जाए परोसो जी, और मां मैं बैठा हूं तो ढूंढने लगे आप जो है पनीर पनीर पंडित जी को दे दो। इसको कहते हैं पंक्ति भेद। शास्त्रों में लिखा है काण शात पंत भेद कह, जो इंसान पंक्ति भेद करता है दूसरे जन्म में काना होता है। क्यों? पंक्ति भेद किया तो परमात्मा ने भी पंक्ति भेद नहीं किया।
राक्षस बैठा, भगवान भी जानते थे लेकिन अमृत उसको भी पिला दिया और बाद में सुदर्शन चक्र से उसका सर भी काट दिया। लेकिन अमृत पान करने के कारण उसमें से दो हो गए, राहु और केतु। और वही राहु केतु चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा और सूर्य को तंग करते हैं। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। अब पोल खुल गई, राक्षसों को पता लग गया ये तो कोई औरत नहीं है, ये तो नारायण है। तो घमासान युद्ध हुआ, बड़ा भारी देवताओं ने अमृत पी लिया तो राक्षस भी कम नहीं क्योंकि उनका राजा बलि है। बड़ा भारी युद्ध हुआ, युद्ध में आखिरकार आकर के न कोई हारा न कोई जीता, युद्ध जो है ऋषि मुनियों ने आके बंद करा दिया, बलि को समझा दिया। बलि ने जो है युद्ध बंद कर दिया, देवता अपने हिसाब से रहने लगे, राक्षस अपने हिसाब से रहने लगे, लेकिन ज्यादातर अधिकार जो था वो राक्षसों के हाथ में चला गया, देवताओं के हाथ में बहुत कम अधिकार रह गया। अब एक बात बताएं हम आपको बड़ी मजे की, बड़े आनंद की, जो शास्त्रों में उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाता है। कैसे कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर भगवान ने कहा प्रभु जो मोहिनी रूप आपने धारण किया था उस समय मैं मौजूद नहीं था, मैंने सुना है आपने बड़ा विचित्र रूप धारण किया था, तो प्रभु वो रूप आप हमको दिखा दीजिए। कई लोग ऐसे कहते हैं लेकिन सत्य में भागवत में ऐसे नहीं है। कैसे है कि जब मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया और देवता लोग और राक्षसों में युद्ध हुआ, होने की संभावना बन गई कि अब युद्ध होगा, तो डर ये लगा कि कहीं भोले बाबा राक्षसों का पक्ष ना ले बैठे, इसलिए सारे देवता मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें नहीं मिलने को सुनने को मिलती हैं भागवत में आपको, बस यही मिलती है भोले बाबा ने कहा मोहिनी रूप हमको दिखाओ, उसके पीछे दौड़े, ये होगा वो हुआ, नहीं सुनो मेरी बात। वहां के बिहारी लाल की जय, बोल दो बोल दो, खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा, व्रत तो मेरा भी है, मेरा भी व्रत है, आपका ही नहीं है, और आप में से थोड़े ही बहुत का ही हो शायद। बोलिए बाके, भोले बाबा के पास में गए देवता मिलकर के, प्रभु कहीं ऐसा ना हो ये युद्ध हमारा और आपका बन जाए, क्योंकि देवता राक्षस आपके पास मदद के लिए आएंगे और आप उधर से खड़े हो जाएं, हम इधर से खड़े हो जाएं और लड़ाई हो जाए हमारी और आपकी दोनों की, इसलिए हे प्रभु कोई उपाय करो। भोले बाबा कहते हैं उपाय तुम ही करो भाई, हम नहीं करते, हमारे पास तो अगर वो आए तो हम तो मदद करेंगे ही करेंगे राक्षसों की, तो कि फिर क्या करेंगे, हम बताएं क्या करोगे कि यहां कि तुम मोहिनी बन के आ जाओ हम तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। उसी समय देवता हमारी मदद के लिए आएंगे, देवता कहेंगे ले ये तो नकली भगवान के पीछे को घूम रहा है जो मोहिनी रूप धारण किया, माया के पीछे घूम रहा है, हमारी क्या मदद करेगा, इसलिए राक्षस वापस लौट जाएंगे। ऐसा मता बना करके भगवान ने शंकर भगवान के सामने पुनः मोहिनी रूप धारण करके गए और भगवान वही माया बना करके उसके पीछे दौड़े। क्या भोले बाबा नहीं जानते कि ये मोहिनी रूप है, क्या भगवान नहीं जानते कि ये नकली रूप है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन परमात्मा ने इस बात से बचने के लिए कि हमारी दो पार्टियां ना बन जाएं, इसलिए उनके पीछे दौड़े। उसी समय देवता मदद मांगने के लिए आए भोले बाबा पर और उन्होंने देखा भोले बाबा तो मोहिनी के पीछे घूम रहा है, अब ये खुद ही मोहिनी के पीछे, चलो हम नहीं पहचान पाए तो राक्षस बुद्धि थी कोई बात नहीं, लेकिन भोले बाबा नहीं पहचान पाए तो हमारी क्या मदद करेंगे, इसलिए मोहिनी रूप धारण भगवान शंकर ने को दिखाया और वो आप सब जानते ही हैं इसका
कथा को, लेकिन लोग जो है अपनी रुचि बनाने के लिए इधर वाले पासे ले जाते हैं। रियल बात, सत्य बात यह है कि भगवान ने वो मोहिनी रूप इसलिए बनाया था कि राक्षस मदद मांगने के लिए आए भी तो विश्वास ना करें, ताकि वो युद्ध भगवान शंकर और देवताओं का ना बन जाए। तो इस तरह से 14 मनमंत्र की कथा हमने पहले सुनाई और अब 21वां मनमंत्र चल रहा है। बलि ने पुनः आक्रमण किया, स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को निकाल दिया। देवता लोग बड़े घबराए, सब स्त्रीहीन हो गए। आखिरकार बच्चों पर जब दुख होता है तो माता को ही बहुत आती है। अब माता दिति, अदिति मैया सोच रही है, दिति के पुत्रों का तो आनंद हो रहा है, मेरे पुत्र तो बिचारे कंदराओं में छुपे हुए हैं, बड़े दुखी हैं। तो मैया अदिति ने बड़ी सेवा की कश्यप ऋषि के अपने पति देव। अदिति भगवान कश्यप से कह रही है, अपने पति से, प्रभु भद्रम गजगणाम ब्रह्म अधर्मस्यास्य जनस्य च त्रिभुवनस्य परम क्षेत्रम् ग्रहमधिग्रहामि माम्। अदिति मैया कह रही है भगवान, अदिति मैया कह रही है, प्रभु मैं गृहस्थ की अच्छी तरह से परिवहन कर रही हूं, धर्म का पालन कर रही हूं, आपकी सेवा भी कर रही हूं, मैं कभी अपने अतिथि को विमुख होकर नहीं जाने दिया अपने घर से, लेकिन फिर भी आज मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय करिए भगवान कि मेरे पुत्रों को भी सुख मिले, क्या करूं। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी इसके लिए तुमको एक उपाय करना हो। अदिति कहती है, महाराज मैं जो कहेंगे वही उपाय कर लूंगी। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, आप पयोव्रत करिए। पयोव्रत मतलब दूध पी करके एक व्रत रखिए 12 साल के लिए। किस तरह से करना है? फागुन की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी आती है, उस द्वादशी को सुअर की खोदी हुई मिट्टी अगर मिल जाए तो उस मिट्टी को रख लो, उस मिट्टी से स्नान करो, त्रिकाल संध्या वंदन करो, परम पवित्र रहो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो, भगवान की नित्य स्तुति करो, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करो, फिर तुम्हारे घर में साक्षात भगवान प्रकट होंगे। और जब भगवान आपके घर में प्रकट होंगे तो आपकी सारी विपत्तियां अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाएंगी। मैया अदिति ने कहा, प्रभु आपकी बताई हुई विधि के अनुसार मैं अवश्य ही ये पावन व्रत करूंगी, आप आशीर्वाद दीजिए। मैया अदिति ने व्रत किया। जब 12 साल परिपूर्ण हुए तो परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के दर्शन दिए। अदिति ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने कहा, मैया तुम जो चाहती हो, तुम्हारे दिल में जो है वो मैं सब जानता हूं। हे माता, मैं खुद तुम्हारे घर में आकर के प्रकट होऊंगा। इस प्रकार से मैया के सांत्वना दे करके परमात्मा चले गए और मैया अदिति ने गर्भ के रूप में परमात्मा को धारण किया और वो दिन आया पवित्र जब भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए, बामन भगवान, छोटे से 12 बामन अंगुल के, इसलिए नाम बामन भगवान। मैया को किसी ने, भगवान को किसी ने कमंडल भेंट किया, किसी ने लंगोटी, किसी ने छत्र,
किसी ने खड़ाऊं, किसी ने माला अर्पण की, इस प्रकार से विभूत किएगा और भगवान चल दिए यज्ञशाला में बलि के में। एक छोटा सा भजन आपके सामने और उसके साथ में ही श्री बावन की छोटी सी झांकी आपको, और उसके बाद आगे की कथा। आज ही भगवान का जन्म भी है, राम चरित्र भी आज ही सुनाना है। Yeah.
सिर पे चोटी सोए, माथे तिल के सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिल के सोहे, चोटी सोहे, माथे तिल के सोहे, सिर पे चोटी सोहे, माथे तिल के सोहे, सिर पे चोटी सोहे, हाथ कट के कमंडल सुनाए, हाथ कट के कमंडल सुनाए, बलि राजा के संग है महाराज बलि की। बलि के द्वार पे यज्ञशाला में जब भगवान पहुंचे, प्रभु ने बड़ा स्वागत किया। प्रभु का बलि ने स्वागतम ते महाभाग, आचार्य विष्णुदास जी दो शब्द कहेंगे, बोली मांगे बिहारी लाल की, जे रस लेना है, आनंद लेना है तो शांति मुझे दीजिए, और फिर मेरा वायदा है कि आपको आनंद के समुद्र में डुबा करके ही रहूंगा। जैसे 3 दिन से आनंद लिया है आपने बैठ करके आराम से, वैसे ही आज भी खुशी जो है अपनी परिपक्वता का परिचय दीजिए मुझे, ताकि आनंद ले सके। बांके बिहारी लाल की जय। तो बलि महाराज के यज्ञशाला में जब भगवान पहुंचे, बड़ा स्वागत किया और पूछा प्रभु, क्योंकि सहज सुहावनी सुंदरी ऐसी मूर्ति थी, कौन ऐसा है जो इंसान भगवान को देख करके भाव विभोर न हो जाए। भाव विभोर हो गया बलि, छोड़ दिया सब कुछ, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैं क्या दूं आपको, बताइए, आप मांग लीजिए, हे प्रभु जो मर्जी मांग लीजिए। भगवान ने कहा, क्यों ना ऐसे वचन आपके हो, क्योंकि आप प्रहलाद के पौत्र हैं, महाराज विरोचन के आप पुत्र हैं, आपका कुल बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, और आपकी ये कहना यथोचित है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा रहा है, महाराज आप बलि के दरबार पर आए हो, ऐसा मांग लीजिए कि फिर कहीं मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान कहने लगे, लालच नहीं करना चाहिए इंसान को, अरे आखिरकार 3 कदम भूमि ही काम आती है, मैं जहां बैठ के भजन करता हूं जमीन किसी और की होती है, मेरा आधा पुण्य उसके लिए चला जाता है जिसकी जमीन होती है, इसलिए मुझे 3 कदम पृथ्वी ही दीजिए। बलि ने बहुत समझाया, प्रलोभन दिए, लेकिन भगवान ने सब नकार दिए। तो कहा, ठीक है हम आपको 3 कदम पृथ्वी दे देते हैं, लेकिन किसी लंबे आदमी के पैरों से नपवा देंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो भी मैंने अपने पैरों से नाप ली है और किसी के से नहीं। अब इन गूढ़ बातों को सुनकर के शुक्राचार्य जी समझ गए। शुक्राचार्य जी कहने लगे, क्या कर रहा है इसको, तू जो वचन दे रहा है ये कोई बटुक नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, मना कर दे, कुछ नहीं देना इसको। बलि कहने लगे, महाराज गुरुजी एक बात बताइए, कि यज्ञ हम किसके लिए कर रहे हैं, नारायण को खुश करने के लिए, हाँ, और साक्षात नारायण ही आज हमारे इस यज्ञशाला में पधारे, उनको मैं कह दूं ना, अरे मेरे जो पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं वो भी ना सुन करके नरक में जाकर के गिर जाएंगे, फिर मेरे यज्ञ करने से लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, इसलिए हे गुरुजी
मैंने को तो मैंने हाँ कर ली है, मैंने पृथ्वी का दान देना ही देना है। बड़ा समझाया शुक्राचार्य ने, बलि मन ही माने, संकल्प करने लगे तो झारी में जाके बैठ गए, पानी ना गिर दे भगवान समझ गए। कुसाका डक्का पड़ाता वहां ले करके और झारी में ऐसे लगाया, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जो किसी को दान देने से रोकता है उसका यही हाल होता है। अब भगवान को संकल्प दे दिया, देने के बाद बलि ने कहा प्रभु जब संकल्प कर दिया तो संकल्पित वस्तु को जल्दी ही दे देना चाहिए, इसलिए आप अब स्वीकार करो, लीजिए। भगवान ने तुरंत अपना रूप बढ़ाया, त्रिविक्रम रूप धारण किया और त्रिविक्रम रूप धारण करके पहले कदम में नीचे के लोग, दूसरे कदम में ऊपर के लोग, एक कदम बाकी रह गया। अब भगवान कहते हैं तीसरा कदम कहां से देगा। प्रभु ने उसको बंधन कर दिया, बांध दिया। भगवान पहला, भगवान के परम भक्त उसी समय प्रहलाद जी पधारे, भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु आपने सारी भूमि तो नाप ली लेकिन जिजमान को तो नहीं नापा है, आप तीसरा कदम जिजमान के मस्तक पर रख करके परिपूर्ण कर लीजिए। भगवान ने तीसरा कदम मस्तक पर रख करके पूर्ण कर लिए तीनों कदम। अब भगवान कहते हैं बलि तूने मेरे को सर्वस्व दे दिया, मैं तेरे को अब वरदान देता हूं कि जो मांगना चाहे वो मांग ले। जब भगवान ने कहा जो मांगना चाहे मांग ले तो पीछे से शुक्राचार्य जी कहने लगे जो ली है भगवान ने जमीन वो वापस ले ले। बलि कहने लगा प्रभु जो दान में दी है वो वस्तु तो मुझे लेनी नहीं। अब भगवान से बलि कहने लगा प्रभु आप मुझे कहीं ना कहीं रखोगे तो सही, कि हाँ कहाँ रखोगे, कि पाताल में रखूंगा तुम्हें, तो प्रभु इतना कर दीजिए कि पाताल में आप मुझे रखो तो मेरे पहरेदार बनकर के नित्य आप मेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर के रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। अब देवता घबराए ऐसा कैसे होगा, भगवान वहां रहेंगे तो दुनिया का कार्यभार कौन संभालेगा। तब तीनों देवताओं ने चार चार महीने चार किया बारे इस प्रकार से स्वीकार किया। तो जब देव सोते हैं तब भगवान नारायण जो है बलि के पैरे पर होते हैं, शिवरात्रि से पहले पहले भगवान शंकर होते हैं, उसके बाद ब्रह्मा की ड्यूटी आती है। तीनों देवता इस प्रकार से बलि के यहाँ अपना पहरा देते हैं। देखिए भगवान ने अगर सर्वस्व ले भी लिया तो बलि को दिया क्या कि नित्य भगवान के पैरे, भगवान उसके पहरेदार बनना भी स्वीकार कर लिया। भगवान से दयालु दुनिया में कौन है, क्या लेते हैं ये तो संसार की दृष्टि ही जानती है, क्योंकि जब सब कुछ है ही उनका तो उनको हमको दे क्या। प्रभु को दीजो कहा परम निध जासो पाई, अरे उस भगवान को हम क्या दे सकते हैं जिन्होंने ये पावन शरीर दिया है, उस भगवान को हम क्या दे सकते हैं जिन्होंने हमें धरती रहने के लिए दिया है, छत्र छाया के लिए आकाश दिया है। हमारे जन्म से पहले जब दांत नहीं थे दूध का इंतजाम किया, माता के स्तन में अपने आप ही दूध आ गया। दांत निकलाते हैं तो भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं। परमात्मा के हर कल हर क्षण हर पल हम हनी हैं। परसों कल के प्रसंग में मैं बता रहा था कि हम 21,600 श्वास लेते हैं, हर कदम पर परमात्मा के ऋणी हैं हम लोग, और भगवान की भक्ति करना हमारा धर्म है, ईश्वर की भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। श्री कुशल दीप सिंह जी ढिल्लो एमएलए साहब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म पत्नी सहित पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विराजमान कराइए। तो बलि का सर्वस्व लिया तो बलि को सर्वस्व दिया भी भगवान। आगे विचित्र कथा आती है अष्टम अध्याय का अंतिम कथा, जिसमें मत्स्य अवतार की कथा आती है। एक बार सत्यव्रत नाम के एक राजा द्रविड़ देश के,
अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। तर्पण करते करते उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। जब उसको वापस छोड़ने लगे नदी में तो वो मछली कहती है, सत्यव्रत नाम के राजा अंजलि से जब छोड़ने लगे मछली को, तो मछली ने मनुष्य के रूप में मनुष्य की आवाज में कहा, हे महाराज, आप तो राजऋषि हैं, दयालु भी हैं, आप बताइए, आप मुझे इस जल में छोड़ देंगे, कोई छोटा मच्छ मुझे खा जाएगा? तो कहा, क्या करूं मैं आपका? काच कमंडल में रख लीजिए। कमंडल में रखा, दो क्षण के बाद उनका आकार इतना बढ़ गया कि कमंडल में ना आए। आखिरकार उनका कोई तालाब में छोड़ा गया, तालाब में भी आकार नहीं आया, नदी में छोड़ा गया, नदी में भी आकार नहीं आया, तो समुद्र में छोड़ा गया। जब समुद्र में छोड़ा गया तो सत्यव्रत राजा ने कहा, इतने थोड़े समय में इतनी बड़ी आकृति तो नहीं हो सकती, ये तो कोई बात है। राजा सत्यव्रत ने प्रणाम किया मत्स्य रूप को और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सत्य बताइए आप कौन हैं? मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान ने कहा, मैं स्वयं नारायण मत्स्य रूप धारण करके आया हूं। राजन, तुमको आगाह करता हूं। क्या आगाह करते हैं? कि आज के 7 दिन बाद सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ पानी में डूब जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक सुंदर नौका पर बैठे हुए सप्तर्षि आएंगे, उस नौका में आप भी कुछ औषधि कुछ बीज लेकर के चढ़ जाना। मछली के रूप में मैं फिर आऊंगा, मेरे सींग से ये नाव बांधते रहना, बांध देना, और जब तक महाप्रलय होगी तब तक मैं घूमता रहूंगा। इसके बाद जब पृथ्वी से जल सूख जाएगा तो सृष्टि आगे को चलेगी। इस प्रकार मत्स्यावतार की कथा आती है। बोलो मत्स्य भगवान की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें सबसे प्रथम कथा आती है वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र सुदम्न की। श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्वेण परंतप न शक्यते विस्तरो वक्तु वर्ष शतैरपि। मनु महाराज के वंश का मैं वर्णन करता हूं, विस्तार से नहीं कर सकता, क्योंकि 100 वर्ष भी कंटिन्यूअस लगातार बोला जाए तो भी मनु वंश का वर्णन नहीं हो सकता। इस वंश में इच्छांकु नृग सर्याति दृष्ट ध्रष्ट करुष नरसंत प्रसन्न नवगण कवि आदि के बहुत सारे राजा उत्पन्न हुए। जो एक एक की कथा बड़ी विचित्र है। प्रसन्न नाम का जो हुआ इच्छांकु का पुत्र, ये अपने गुरुजी की कुछ अपराध कर बैठा, गुरु ने श्राप दे दिया था, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी होकर के अपना जीवन व्यतीत करके और संसार से चला। चमन नाम के एक ऋषि थे, बड़ी विचित्र कथाएं सुनने लायक है। चमन नाम के ऋषि अपने आश्रम में तप कर रहे थे। राजा सर्याति अपनी एक कन्या को लेकर के वन विहार करने के लिए आए। एक बार फिर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं ये कथा जो सुनाने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए बड़ी रामबाण है जो एक हाथ में डाइवोर्स के पेपर रखते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। कथा का भाव ये होना चाहिए कि संसार की जो कुपथा है उन पर प्रहार हो तो वो कथा है, और कुपथाओं कुप्रथाओं पर प्रहार नहीं है तो कथा नहीं है, व्यथा है। इसलिए कथा सुनी। महाराज सर्याति एक दिन अपनी कन्या सुकन्या को लेकर के, जिसका नाम ही सुकन्या है, बताओ सुंदरी तो होगी होगी, उस सुंदरी सुकन्या को लेकर के महाराज सर्याति वन में आए।
महलों में रहने वाली सुकन्या ने पहली बार कोई दृश्य देखा, काय का वन का, देख करके बड़ी प्रफुल्लित हुई। अपनी सखियों के साथ इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उसने क्या देखा, एक मिट्टी का स्थूल है और मिट्टी के स्थूल में से लाइट निकल रही है, धीरे धीरे लाइट निकल रही है। सुकन्या को कुछ पता नहीं था, वालिका थी, उसने एक डक्का लिया कुसाका और उन दोनों में चुबा लिया। चुबाने के बाद उन दोनों में से रक्त निकला और रक्त निकलने के बाद सभी किसी का मलमूत्र रुक गया कि कोई अंधा हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, सब व्याकुल हो गए। महाराज शरयाती कहने लगे, ये पवित्र ऋषि मुनियों का स्थान है, यहाँ अवश्य ही हम लोगों में से किसी से कोई अपराध हुआ है, बताइए जल्दी किससे अपराध हुआ है। सुकन्या कहने लगी, पिताजी मेरे से अपराध हुआ है। क्या हुआ है बेटी, कि यहाँ पास में ये मिट्टी का स्थूल है, इसमें से लाइट निकल रही थी, मैंने उनमें दोनों में कुसा डाल ली और कुसा डालने के बाद खून निकला उनमें से, तब से ही हमारा ये हाल हुआ है। सरयाती वहां पर गए, मिट्टी हटाई तो देखा वहां चमन ऋषि तप कर रहे थे, उनके ऊपर दीमक चढ़ी हुई थी। ऋषि से सरयाती ने चरणों में गिर करके प्रणाम करते हुए अपनी गलती का, अपनी पुत्री की गलती का क्षमा मांगी। ऋषि तो ऋषि ही होते हैं, उन्होंने माफ भी कर दिया। महाराज सरयाती पुत्री को कहने लगे, बेटा चलो अब चले। सुकन्या कहती है, पिताजी जिस ऋषि को मैंने अंधा कर दिया, अपने हाथों से अंधा कर दिया, उस ऋषि को अंधा छोड़ करके मैं कैसे चली जाऊं महलों में। हे पिताजी मेरा संकल्प है कि इसके साथ में मेरा विवाह कर दीजिए। सरयाती कहने लगी, इसकी झुर्रियां दिखाई दे रही हैं, इसके आंखों के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, 3-3 इंची आंख अंदर को धसी हुई है, इसकी आयु दिखाई दे रही है, केस पके हुए हैं, दसन मुख में नहीं है, दांत नहीं है, क्या तू इसके साथ विवाह करेगी। कि हाँ पिताजी, मैंने तो संकल्प ले लिया है कि मैंने जिसको अंधा किया है मैं उसकी आजीवन सेवा करके ऋणी होना चाहती हूँ, उऋण होना चाहती हूँ। सरयाती ने दृढ़ संकल्प देखा पुत्री का तो विवाह कर दिया। विवाह करके महाराज सरयाती दुखी मन से अपने भवन में चले गए। इधर चमन ऋषि ने देखा राजकन्या है, आवेश में आ गई है, एक बार तो कह दिया है हाँ ब्याह करूंगी, लेकिन देखता हूं रुकती है या भागती है, इसलिए परीक्षा शुरू कर दी। क्रोधी रहे बहुत ज्यादा, बुरा भला बोले, लेकिन वो जी करती रही, हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ी रही, जितने भी मर्जी धक्का मारो जाऊंगी नहीं आपको छोड़ करके। हे नाथ, मैंने आपको अपना पति मान लिया है, मैंने आपको स्वामी मान लिया है। ब्रतरोधवश जड़धन नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का भी अगर कोई स्त्री अपमान करती है
तो यमलोक में उसको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। सरयाती की कन्या ने बड़ी सेवा की, जब ऋषि ने देखा कि ये तो परिपक्व है तो अश्विनी कुमारों को बुलाया, अश्विनी कुमारों को बुला करके सारी व्यथा बनाई। अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर भर दिया, बहुत सारी उसमें औषधियां डाल दी और डालने के बाद स्नान कराया अपने साथ में। जब निकले विश्व में ये विख्यात है अश्विनी कुमार दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष हैं, सब दुनिया जानती है इस बात को, लेकिन है वो डॉक्टर वैद्य हैं, वो देवताओं के वैद्य हैं वो, तो उनको भाग नहीं दिया जाता था पहले पूजा में। जब चमन ऋषि ने बाहर निकले कन्या को लेकर के, जो चमन ऋषि को लेकर के अश्विनी कुमार, तो सुकन्या को कहा गया पहचान ले इन तीनों में पति तेरा कौन सा है। मेरी माताओं बहनों, पहला दुख तो उस पर जब आया जब अंधे के साथ में शादी कर ली, दूसरा दुख उस पर जब आया जब उस अंधे ने भी उसके साथ में परीक्षा लेने के बहाने दुर्व्यवहार किए, बुरा भला बोला, क्रोधी रहे। आज तीसरा कष्ट ये सामने खड़ा है कि तीनों का एक रूप है, कौन अश्विनी कुमार है और कौन पति है पहचान नहीं हो रही। सुकन्या ने परमात्मा का ध्यान किया, है परमेश्वर मन से वाणी से कर्म हूं तो अपने पति का हाथ पकड़ लेती हूं, तीनों में खड़े चमन ऋषि का हाथ पकड़ लिया। अश्विनी कुमारों ने आशीर्वाद दिया, अश्विनी कुमारों से वायदा किया चमन ऋषि के तुमको यज्ञ में स्थान दिलाऊंगा मैं। अश्विनी कुमार चले गए। एक दिन राजा सरयाती ने सोचा ऐसे ही कन्या को पकड़ाया, ऋषि को कुछ दिया नहीं, कोई कन्या दान नहीं किया, कुछ नहीं दिया, माता ने भी बहुत कहा, तो छकड़ाओं में बहुत सारा धन भर करके लेकर के आ रहे हैं। इधर चमन ऋषि ने पहले ही सुंदर महल बनाए हैं, बड़ी सामग्री भरी हुई है, शरीर तो सुंदर पहले बन ही गया है अश्विनी कुमारों की कृपा से। जब महाराज सरयाती वहां आए और उन्होंने देखा कन्या किसी सुंदर युवक के पास में बैठी है, पता तो था नहीं, पता न होने के कारण महाराजा सरयाती यहां से यहां तक जल गए, बुरा भला बोलने लगे, उल्टा अगर तूने यही करना था तो मेरे इस कुल को कलंकित क्यों कर दिया, तू पवित्र चमन ऋषि को छोड़ इस जार पुरुष के साथ में बैठी है। सुकन्या कहने लगी पिताजी, ओ पिताजी शांति पकड़ो, यही तुम्हारे दामाद चमन ऋषि है और ये सब अश्विनी कुमारों की कृपा से हुआ। फिर अश्विनी कुमारों को महाराजा सरयाती के यज्ञ में भाग दिलाया, इंद्र नाराज हुआ, चमन ऋषि ने उसका स्तंभन कर दिया। इस प्रकार से कथा ये है। इसी कुल में नाभाग नाम के एक पितृ भक्त पैदा हुए, महाराज नवक के पुत्र नाभाग। नाभाग कथा तो बड़ी विचित्र है, सुनाने को जी करता है लेकिन समय बहुत कम है मेरे पास, आज समय कम होने के कारण मैं इतना ही सुनाता हूं। पिता का सारा शेयर सारा हिस्सा भाइयों ने बांट लिया, नवक को कुछ नहीं दिया, नवक ने कहा कुछ तो दे दो, तो पिता दे दिया और पिता ने ऐसी दीक्षा दी कि वो भाइयों से भी अधिक पैसे वाला हो गया। इसी कुल में अम्बरीश पैदा हुए, जो भगवान शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन खुद ही परीक्षा दे हुए थे और दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र पड़ गया, सारी दुनिया में घूमे कहीं आश्रय नहीं मिला, आखिरकार राजा के ही चरणों में गिरे। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करके वापिस किया। इस तरह अम्बरीश की कथा सुनाई मैंने। महाराजा इच्छांकु के वंश में मान धाता और सौवरी ऋषि की कथा आती है। सौवरी नाम के ऋषि, देखो ये बुद्धि ये मन ये बुद्धि कहां चली जाए, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। सौवरी नाम के एक ऋषि
नदी के किनारे पर बैठ के तप कर रहे थे। तप करते करते मन में दृष्टि चली गई जल में, जल में कोई मछलियों के साथ विहार कर रहा था। तभी उन्होंने सोचा, अरे जलजीव इस आनंद को ले रहा है, हम इससे वंचित ही रह गए, चलो हम भी ब्याह करते हैं। तो महाराज मानदाता के घर पहुंच गए। मानदाता के 50 पुत्रियां थी तो सोवरी ऋषि ने कहा एक कन्या हमको दे दो। मानदाता कहने लगे, महाराज परसों स्वयंवर है, स्वयंवर में अगर आपके गले में माला डाल दे हमारी कोई बहन तो आप ले जाना। वो समझ गए रूखा जवाब क्यों दिया है। सोवरी ऋषि गए और सुंदर शरीर बनाया, और ऐसा सुंदर बनाया कि जब आए तो वो 50 लड़कियों ने जो मानदाता की बहन थी सबने कहा कि हम ही पति बनाए। 50 ने उनके साथ विवाह कर लिया। 50 पत्नियों को लेकर के सोवरी ऋषि घर आए, मकान बनाया, सुंदर रहने लगे बढ़िया। लेकिन समय पाकर के जब ज्ञान आया कि देखो कुदृष्टि पड़ने से, बुरा संग देखने से मेरा मन बदल गया, मैं कहां से कहां पहुंच गया, इस तरह से फिर उन्होंने संसार को छोड़ भगवान की भक्ति की और ये सभी कन्याएं भी उनके साथ गई। महाराजा त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा आती है जो आप सभी जानते ही हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। सूर्य वंश में बाहुक नाम के एक राजा हुए, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शास्त्रों से पराजित हो गए और मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सती होने को तैयार हुई और ऋषि ने रोक दिया, तुम्हारे गर्भ है, तुम सती नहीं हो सकती हैं। जब सौतों को उसकी और भी पत्नियां थी, 1000 पत्नियां थी, तो 999 ने मिलकर के उसको जहर दे दिया। सगर इतने प्रतापी थे कि वो जहर अपनी मुट्ठी में लेकर के प्रकट हुए जब उनका जन्म हुआ, और उसके बाद उनका नाम ही सगर पड़ गया। सगर के 60,000 पुत्र थे, 2 पत्नियां थी, एक के एक पुत्र था असमंजस, और एक के 60,000 पुत्र थे जिन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में जो है घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। भगीरथ जी प्रार्थना करके गंगा लेकर के आए। इसी कुल में फिर रघु आदि महाराज पैदा हुए, और रघु के अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र होंगे। आइए रामचरित पर चलते हैं, और रामचरित के बाद भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ही देर में प्रकट होने वाले हैं। राम की कथा भी मैं थोड़े में सुनाऊंगा, क्योंकि आपको विदित है यहाँ इस मंच पर एक बहुत सुंदर भजन गायिका आ रही है हमारे बाग में, वो आपको श्रवण कराएंगे भजन सागर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अधूराम तपोवना दिगवनम हस्ता मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, अगर सुनाने लगे तो एक ऐसा सागर है जिसकी पार पारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बताया है कि क्वम सूर्व प्रभो वंश क्वम चाल्प विषयामती तितिर्षु दुस्तरम मोहाड़ पेनास्मी सागरम। सूर्य वंश का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, और राम के कथा तो बड़ी है ही विचित्र। तो महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं। एक दिन मैया अरुंधति कह रही है अपने पति वशिष्ठ जी से, इनके कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, कि तुमको पता नहीं उनके पुत्र नहीं है। कहते पता तो है, लेकिन इच्छा तो उनको जाकर तो होनी चाहिए पुत्र की, मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि इच्छा तो मैं जागृत करा दूंगी, आप पुत्र का इंतजाम करो।
एक दिन मैया अरुंधति, एक बात मैं बता देता हूं जो बड़े मतलब की है, आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। एक शब्द है पुरोहित। पुरोहित का अर्थ क्या है? पुरोहित कहते हैं ना जी, पुरोजी आ गए। पुरोहित का अर्थ क्या है? पुरो माने पहले से ही, हित माने हित चाहने वाला। पुरोहित इसको कहते हैं जो पहले से ही अपने जजमान का हित चाहता है, उसी को कहते हैं पुरोहित। अब उसी बात को सार्थक करते हुए आज मैया अरुंधति अपने पुत्र शक्ति को गोद में लेकर के और रनिवास में आई, पीड़ा डाल दिया, बैठ गई। बैठने के बाद मैया अरुंधति ने अपने पुत्र को जो गोदी में लगा है थोड़ी सी चुंडी बदली, समझ गए, चुंडी बदली। अब चुंडी बदलने के बाद शक्ति जी रोने लगे, रानियां पूछने लगी, दादी जी क्या हो गया, आपके लाला क्यों रो रहे हैं? कि नहीं नहीं वैसे ही रो रहे हैं। कि नहीं नहीं बताओ माता क्यों रो रहे हैं? कि नहीं मत पूछो क्यों रो रहे हैं। कि नहीं माता बताओ क्यों रो रहे हैं? अरे यूं रो रहे हैं कि इनको पता है कि मेरे पिता की वृत्ति सूर्य वंश में बहुत सुंदर चल गई, अब सूर्य वंश में कोई संतान नहीं है, मेरी वृत्ति आगे कैसे चलेगी। रानियों ने बड़ी चिंता हुई, रानियों ने राजा को कही, राजा को फिर खुद चिंता हुई। तो एक बार भूपति मन मनमाई। इस तरह भूपति के मन में ग्लानी हुई, मेरे पुत्र नहीं है, पुरोहित जी के पुत्र को चिंता है, मेरी को चिंता क्यों नहीं है? तो गुरु गुरुग्रह गए, आश्वासन दिया तुम्हारे एक नहीं चार पुत्र होंगे। संगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया गया, भक्ति के सहित आहुति दी, चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, तीनों रानियों में बांट दिया गया और तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। नौमी तिथि मधुमास अभिजित नक्षत्र मध्य सूर्य, जब सूर्य मध्यान में था, भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे। चक्कर क्या पड़ गया,
कि मास दिवस कर दिवस भाई और मर मुन जानी कोए रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन हो गया, चंद्रमा इंतजार करते रहे कि मैं सूर्य ढले तो मैं भी भगवान के दर्शन करूं। एक महीने इंतजार करते भगवान से, जब सूर्यदेव अस्ताचल में चले गए तो चंद्रमा ने शिकायत की, हे प्रभु आपने यहाँ पर पक्षपात किया। भगवान ने कहा क्या पक्षपात किया है? ये पक्षपात किया है, आप सूर्य कुल में पैदा हुए इसलिए सूर्य को एक महीना दर्शन देते रहे और मेरे को एक महीने बाद दर्शन मिला। भगवान कहते चिंता मत करो, अगला जो नंबर आ रहा है ना वो मेरा चंद्र वंश में ही आ रहा है, उधर तेरा प्राकट्य होगा इधर मेरा जन्म होगा। एक बार बोलो भागे कीजे। जो शोर मचाने की आपको कह दिया जाए तो मेरे को कथा भी न करने दे, और जो बांके बिहारी का नाम आ जाए तो फिर पता नहीं आप व्रत में चले जाते हो। बोलो बांके हरिलाल की। अभी नहीं मजा आ रहा, वृंदावन तक जब तक आवाज नहीं आएगी बांके बिहारी नहीं आएंगे, और बांके बिहारी नहीं आएंगे तो आपको कोकिल की आवाज भी सुनने नहीं मिलेगी। मैं यहीं बैठा रहूंगा। बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके। भैया अंदर वाले तो बोल रहे हैं, बाहर वालों का पता नहीं, उनको भी बोलना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाल।